प्राप्त करण्यासाठी या ठिकाणी या अधिकारमंचाची स्थापना केलेली आहे. त्यांची इच्छा आहे की प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 200 युवक या ठिकाणी तयार झाले. त्यांचे मूलभूत प्रयत्न करावे. डॉक्टर सुशील गौतम. जय भीम. जय भीम. उत्तर प्रदेश और मैं यूपी से हूँ. तो जब जिग्नेश भाई मराठी में बात नहीं कर सकते तो यूपी वालों को तो और भी ज्यादा दिक्कत है. आज ये बोल रहा संविधान सम्मान यात्रा ऐसी जरूरत इस देश में पड़ती और एससी एसटी को ही क्यों पड़ती है. आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, दो लोगों की बात कर रहा हूं, चार भी हो सकते हैं उसमें. कि गांधी सत्य के नाम पर आए, सत्य का वचन लेके आए, सत्याग्रह किया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा, और अब तक कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, बंद. और भागवत साहब बार बार ये कहते हैं उस पर बात होनी चाहिए. भागवत साहब, जो आप ये सोचते हैं कि रिजर्वेशन पे बात होगी, हाँ होगी. अब प्राइवेट सेक्टर में भी खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को सरकारी डिपार्टमेंट दिए और पूरी की पूरी नौकरियां खत्म कर दी गई. हमारे लिए कल भी औरंगाबाद था और आज भी औरंगाबाद ही है. तीसरी बात, मैं आज केवल एक दिन के लिए नहीं आया हूं, पर नागपुर और उनके सारे चट्टीधारी सुन ले और ये समझ ले कि आज के इस मौके पर गुजरात और महाराष्ट्र के दलितों के बीच में एक ऐतिहासिक दोस्ती का निर्माण होने जा रहा है. और कल की जनसभा में भी कहा था कि मोदी जी तुम्हारी उम्र हो गई 68, हमारा केवल 38 ही है. अभी कम से कम 25-30 साल तुम्हारी नागपुर की नारंगियों पर भारी पड़ने वाला है. पुणे के तो उसकी पिटाई होगी. थोड़ा पीछे लो नवीद भाई. महाराष्ट्र की धरती पर हूं तो कहना चाहूंगा कि जब सुभाष चंद्र बोस ये नारा दे रहे थे स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इस नारे के साथ अनगिनत युवकों को जोश भरते हुए अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए एक फोर्स उन्होंने खड़ी की थी. तब यही महोदय जिनका नाम सावरकर है, वो अंग्रेजों की चापलूसी करने के लिए उनके हिंदुत्ववादी युवकों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती कर रहे थे. और इसीलिए जिनके लिए होगा उनके लिए सावरकर वीर है, हमारे लिए तो फूले
शाहू महाराज और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर वीर है। नामांतर के आंदोलन के दौरान यलगार परिषद में हम मौजूद थे, अब तमाम लोग उससे वाकिफ है। सारे न्यूज चैनल्स में हमने एक ओपन चैलेंज देकर रखा है कि भाजपा के लोग अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज बिठाए, अपनी मर्जी का। कौन? भाजपा के लोग। पीछे वो अपनी मर्जी का कोई बुद्धिजीवी बिठाए, अपनी मर्जी का पत्रकार बिठाए और अपनी मर्जी का सीनियर वरिष्ठ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वकील बिठाए और इन तमाम लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा कह दे कि जिग्नेश मेवाणी के भाषण का एक शब्द भी भड़का उठा तो मैं एमएलए के तौर पे रिजाइन करने को तैयार हूं। तो हमारा काम इस मुल्क की गरीब जनता को, मेहनतकश आवाम को, दलित आदिवासी ओबीसी और माइनॉरिटीज को अपने हक और अधिकार के लिए प्रेरित करना है। भड़काने का काम इन नागपुर की नारंगियों का है। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के नक्शे पर कहां है वो केवल नक्शे पर देखा है, हम फिजिकली वहां कभी गए नहीं और फिर भी दलितों को, निहत्ते बेगुनाह दलितों को वहां जिन्होंने मारा वो मोदी जी के गुरु आज खुलेआम घूम रहे थे। और जो संविधान को बचाने के शपथ है उस दिन उनको नक्सलवादी बोलकर जेल में डाल रहे हैं। यहां बैठे तमाम भाई बहन, मैं के दलितों को यह अपील करना चाहता हूं कि अपने घर के अंदर अपने बेटे बेटियों को उस कदर पे तैयार करो कि उनके खून का एक एक कतरा आरएसएस के खिलाफ संघर्ष करने में बीत रहा है। पुतला तोड़ दिया अभी तमिलनाडु में, अरे तुम एक बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैच्यू तोड़ोगे लेकिन लाखों करोड़ों दलितों के दिल के अंदर जो स्मारक बनाया है उस स्मारक का तुम क्या उखाड़ लोगे? अभी वक्त थोड़ा तकलीफ वाला है, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन ये अंधेरा भी छिपेगा, ये काले बादल भी हटेंगे और एक दिन उन्हीं का राज इस मुल्क में आएगा जो शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा में यकीन करते हैं, जो बिरसा मुंडा को मानते हैं, जो रामास्वामी पेरियार को मानते हैं, अय्यंकली को मानते हैं, बसवन्ना को मानते हैं, शाहू महाराज को मानते हैं, फूले और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। आज तुम्हारे पास पैसा बहुत है, इतना फोटो मोदी जी का दिखता है चारों तरफ, सारे अखबार, सारे मैगजीन, सारे न्यूज चैनल, सारी सड़कें, ये मोदी मोदी नाम का एक बीमारी फैला हुआ। तो ये पैसा आ कहां से रहा? ये पैसा आ रहा है अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का, वेदांता का, पोस्को का, ये चंद पूंजीपति वर्ग का। अब सवाल ये है बाकी के दल, विपक्ष की बाकी की पार्टियां इतने साल संविधान को कोई बढ़िया तरीके से लागू किए नहीं, सही कि गलत है? सही है। बाकी के विपक्षी दल भी संविधान को ठीक से लागू किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उन विपक्षी पार्टियों के पास जो पैसा है उनसे 1000 गुना पैसा संघ और भाजपा के पास आ कहां से रहा है?
ये हमको समझना है। हम बार बार कहते हैं कि मोहन भागवत के पेट पर जो चर्बी चढ़ी है वो मुकेश अंबानी के घर की मलाई चाट कर चढ़ी है। यानी ये मनुवाद और पूंजीवाद का मिलन हो चुका है। इस गठजोड़ को हमको समझना पड़ेगा। 1938 में रेलवे के कामगारों के एक संघर्ष के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस देश के दलित और मजदूरों के दो शत्रु हैं, एक ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। तो यदि केवल हम मनुवाद पर हमला बोले और ये आरएसएस के 40-50 लाख केडर का जो दावा है उनकी जेब में कहां से पैसा आता है इस बात को यदि ना समझे तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। वामपंथ के कुछ खेमे केवल पूंजीवाद मुर्दाबाद बोले, कुछ दिन तक मनुवाद मुर्दाबाद नहीं बोले। बिल्कुल उसी तरह दलित आंदोलन के ज्यादातर लोग केवल मनुवाद मुर्दाबाद बोलते हैं। हमको पूंजीवाद को समझते हुए पूंजीवाद का जो प्रहार हमारे ऊपर है पूंजीवाद मुर्दाबाद का भी नारा लगाना पड़ेगा।